तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता होगा, मैं हूँ SBN। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है आरएनसन हागारानाई का एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन के ऊपर टॉपिक है। तो आज की जो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमारे जो आरएनसन को राइडोगुन से प्यार हो जाता है, उसके साथ ही वो अपने ट्रू फीलिंग को कैसे राइडोगुन को बताती है, और वो हमारे जो राइडोगुन का जो आंसर होता है वो येस या नो होता है, उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। तो गाइस, हमारा जो एपिसोड होता है वो शुरू होता है और हमें दिखाया स्कूल का सीन। स्कूल के सीन में हमारा जो इशिगावा होता है वो बोलता है कि राइडोगुन, क्या तुम मेरे साथ माउंटेन कैंपिंग पर चलोगे। तभी हमें दिखाए थे, राइडोगुन बोलता है कि हाँ मैं चल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तभी इशिगावा उस इंसान को भी इन्वाइट करता है माउंटेन पर चलने के लिए। उसकी बात को देख के हमारे जो राइडोगुन है वो हमारे आर इंसान को भी बोलता है, क्या तुम आना चाहोगी। तभी हमारे जो आर इंसान होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होती है। ये बात को देखते हुए इशिगावा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी माउंटेन कैंपिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि रेलवे स्टेशन में हमें दिखाया था कि हमारा जो राइडोगुन है वो सभी लोगों का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था कि राइडोगुन के पास वो सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि राइडोगुन तुमको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। तभी राइडोगुन बोलता है कि असल में मुझे आर इंसान कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। तभी हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है, वहीं पर हमें इशिगावा बोल रहा था कि आर इंसान तुमको सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लाने हैं खाने के लिए, लेकिन हमें राइडोगुन सोचने लगता है कि आर इंसान फिर से घर में सो गई होगी। तभी हमें दिखाया था असल में आर इंसान जो होती है वो अपने भारी बैग को उठा नहीं पा रही होती है। तभी हमारा जो राइडोगुन उसके आगे उसकी मदद करने लगता है। ये बात को देखते हुए सारे लोग बोलते हैं कि आर इंसान क्या तुम ठीक हो। आर इंसान यस बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया थे वहाँ पर एक कार जा रहे होते हैं, उसकी कार के अंदर हमें सारे बच्चे जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया था उसकी जो टीचर होती है वो उन लोगों को मतलब उन सभी लोगों को ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया था सातोसन बोलते हैं कि टीचर आप क्यों नहीं हमको ज्वाइन करते हैं। तभी हमें दिखाया थे उसकी टीचर बोलते हैं सॉरी मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं आज तुमको ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। तभी वो कार को बहुत ज़ोर से भगाने लगते हैं, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे वो सभी लोग कैंपिंग की जगह पर पहुँच चुके होते हैं। ये बात को देखते हुए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसका बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मिली है कैंपिंग के लिए। तभी हमें दिखाया था हमारे जो आरनसन होती है वो एक सेकेंड में अपने जो कैंप मतलब अपने टेंट होता है वो वहाँ पर लगा चुकी होती है, और आरनसन हमको बहुत ज़्यादा जोश में दिखाई देती है। हमें दिखाया था अभी हमें खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें वगैरह चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया था वो आरनसन को बोलते कि तुम जो इन्ग्रीडियंट्स वगैरह लाई हो खाना बनाने के वो हमें दो। तभी हमें दिखाया था हमारे जो आरनसन होती है वो सारे इन्ग्रीडियंट्स वगैरह को ढूंढने लगती है, लेकिन हमारे जो आर इंसान होती है वो सारी चीज़ें भूल गई होती है। ये बात को देखते हैं हमारे जो राइडोगुन होते हैं वो बोलते हैं आर इंसान तुम इसे रो मत, क्योंकि ऐसे रोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी आर इंसान थैंक यू बोलती है। उसके बाद हमें दिखाई दे राइडोगुन होता है तो ठीक है अभी हमें जंगल में जाके वो सारी चीज़ें वगैरह भी लाना है। तो हमारे जो आर इंसान होती है वो उसको देखने लगती है। तभी हमें दिखाया था हमारे जो राइडोगुन होता है वो ग्राउंड कीपर से बात करने जाता है और बोलता है सर जी सुनिए जरा, हमें इस जंगल में से कोई लकड़ी वगैरह वो कोई खाने की चीज़ ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। तभी ग्राउंड कीपर बोलता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी हमारा राइडोगुन बोलता है तो चलो अभी हमें खाना वगैरह ढूंढना चाहिए, और ये बात को मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन सा खाना कहाँ पर मिलेगा। तभी हमें दिखाया था बहुत सभी लोग अच्छे से मिल बांध के खाना वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, और हमारा राइडोगुन बोलता है कि इन सारे मशरूम को ले लो ये खाने लायक हैं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारे राइडोगुन होता है वो आरनसन को बोलता है कि आरनसन ये लो तुम मछली पकड़ो। उसके बाद हमें दिखाया था राइडोगुन बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद आरनसन अभी बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी है और वो पिछली बातें सारे भूल चुकी है। उसके बाद राइडोगुन सोचने लगता है तो ठीक है मुझे भी अभी मछली पकड़ने का कांटा बनाना चाहिए और मैं मछली भी पकड़ूंगा। तभी हमें दिखाया था वो मछली आने का वेट कर रहा होता है, तभी अचानक से उसके आँखों के सामने एक मछली आती है, लेकिन वो उस मछली को पकड़ नहीं पाता और वो जो मछली होती है वो भाग चली जाती है। तभी हमें दिखाया था जो सिरसान होते हैं बोलते कि राइडोगुन सुनो जरा। तभी राइडोगुन बोलते हाँ तुम बोलो। तो ये वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो सातोसन और इशिगावा है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तभी हमें दिखाया थे वो उसे मछली पकड़ने का कांटा ले जाता है। तभी राइडोगुन और वो दोनों मछली को आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी राइडोगुन सोचने लगता है शायद से मुझे लगता है कि ओसिरसन मुझे मार के आरनसन के साथ वक्त बिताना चाहती है, लेकिन हमें दिखाया था राइडोगुन ओसिरसन को बुलाने लगता है। तभी अचानक से ओसिरसन एक मछली को पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया था ओसिरसन उस मछली को पकड़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था जो ओसिरसन होती है वो बोलती है कि
क्या देखा? राइडोकुन, मैं इस मिस्टर पकड़ लिया था, अभी हमें दिखाया जाता है। राइडोकुन बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बारे में गलत चीज सोच रहा था। मुझे लगता था कि तुम इंसान को मेरे साथ देख के बहुत ज्यादा जेलस फील करती हो। तभी उत्साह बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील होती है। मुझे मन होता है कि तुम्हें मार दूं, लेकिन जो आर इंसान जब तुम्हारे साथ होती है वो बहुत ज्यादा खुशी लगती है, और वो अभी सभी के साथ अच्छे से बात भी करती है, और वो अभी फ्रेंडली बन चुकी है। तभी हमें दिखाते वो बोलने लगती है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कहूँगी। तभी हमें दिखाया था, हमारा राइडोकुन बोलता है कि थैंक यू सुरसान ये सब बताने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया था हमारा आर इंसान भी एक और फिश पकड़ी हुई होती है। उसके बाद हमारा जो राइडोकुन होता है वो बहुत सारे खाने वगैरह का चीज़ें लाया हुआ होता है। तभी राइडोकुन वो आदमियों को ये सब चीज़ें दिखाता है। आदमी बोलता है तो ठीक है तुम ये सब ले सकते हो। तभी हमें दिखाया था, राइडोकुन बोलता है कि आर इंसान अभी हमें खाने का प्रिपरेशन करना चाहिए। तभी आर इंसान चाकू पकड़ के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं अभी खाना बनाऊंगी। उसके बाद हमें दिखाया था खाना बन चुका होता है और वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा होता है। तभी वो सभी लोग अच्छे से खाना खाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तभी आर इंसान बोलता है, राइडोकुन शुक्रिया आज जो तुमने मेरे लिए किया है। तभी हमें दिखाया था रात को बहुत सारे लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी हमारे इसी गवा कार्ड्स में जीत जाता है। तभी उस इंसान बोलने लगते हैं कि असल में मुझे नींद आ रही है, तो ठीक है मैं अभी सोने जा रही हूँ, ठीक है गुड नाइट। तभी ये बात को देखते हुए सारे लोग भी बोलते हैं उस सन ठीक है तो गुड नाइट। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो इसी वो होता है वो बोलते हैं राइडोकुन तो चलो अभी हम एक छोटे से एडवेंचर पर चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया दे वो चार लोग जंगल में एडवेंचर के लिए जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया दे हमारा जो इसी का होता है वो बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है। तभी अचानक से वो बोलने लगता है सातो सन तेरा सुनो, मुझे लगता है कि आर इंसान और राइडोकुन को दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया था वो दोनों वहाँ चले आते हैं। तभी राइडोकुन बोलता है कि अभी हमें कितनी दूर चलना है, लेकिन तभी हमें दिखाया था राइडोकुन पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहाँ पर इसीगावा और सातो सन दोनों ही नहीं होते। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है शायद से वो दोनों मतलब वो कुछ और ही चीज़ें सोचने लगता है। वो सोचता है कि शायद से सातो सन और इसीगावा चोरी छिपे घर को चले जाते हैं सारे पैसे वगैरह लेके। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन सोचता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी आर इंसान बोलने लगते हैं कि असल में वो सभी लोग कहाँ पर गए। तभी राइडोकुन बोलता है कि वो सभी लोग असल में टॉयलेट गए हैं, वो कुछ ही देर के बाद चले आएंगे। उसके बाद हमें दिखाया थे वो दोनों मतलब आर इंसान और राइडोकुन दोनों खाली जगह पर बैठ के तारे वगैरह को देख रहे होते हैं। तभी राइडोकुन बोलता है कि देखो उस चमकती हुई तारे को क्या तुम जानती हो वो क्या है। उसके बाद हमें दिखाया था राइडोकुन बोलते हैं कि सच में बोलूँ तो मुझे भी ये बात पता नहीं वो कौन सा तारा है। तभी आर इंसान बोलते हैं कि वो जो तारे वगैरह है वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, वो तारे वगैरह वो सभी लोग कितने ज़्यादा पास में हैं, मुझे लगता है कि ऐसे मैं उसको हाथ बैठा के पकड़ सकती हूँ। तभी हमें दिखाया था वो दोनों सातो सन और इसीगावा वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी आर इंसान जो होती है वो राइडोकुन को बुलाती है और बोलने लगते हैं कि मुझे असल में मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो ये हमें दिखाया था अचानक से वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी समय हमें दिखाया था अचानक से उसके आगे एक बहुत ही बड़ा जंगली जानवर आ जाता है। इन दोनों को देख के वो जंगली जानवर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राइडोकुन बोलने लगता है ये जानवर तो हमारी तरफ आ रहा है, ये चीज़ को देखते हुए हमारे सातो सन और इसी गवाह होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें उसको बचाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था हमारा जो राइडोकुन होता है वो अचानक से हमारे आर इंसान के आगे खड़े हो जाता है। तभी वो जंगली जानवर उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। फिर भी दिखाया था वो जंगली जानवर उनकी तरफ अटैक करने के लिए बहुत जोर से उनके ऊपर से कूदता है, वो जंगली जानवर बहुत ही बड़ा होता है। तभी हमें दिखाया था वो जानवर असल में हमारे आर इंसान को आके चाटने लगता है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है ये तो आर इंसान का डॉग है मतलब पालतू डॉग है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर इसी गवाह और सातो सन भी आते हैं और बोलते हैं कि राइडोकुन क्या तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया था आर इंसान बोलने लगती है ये तो मेरा पालतू डॉग है इसका नाम है नूई। तभी हमें दिखाया था उसके डॉग के पेट में जो बक्से लगा था उसको वो निकालता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं खाने के लिए। तभी हमें दिखाया था वो सभी लोग बोल रहे होते ये डॉग तो बहुत अच्छा डॉग है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारा जो आर इंसान होती है वो उस डॉग को अपने घर में भेज देती है। तभी इसी का होता है वो बोलते हैं अभी हमें सोने जाना चाहिए। तभी हमारा राइडोकुन को नींद नहीं आ रही होती है, वो बोलते हैं कि मुझे अभी तो नींद ही नहीं आ रही। तभी अचानक से वहाँ पर ऑक्सीजन उठ जाती है और बोलते हैं कि मैं जल्दी सो गई इसलिए मेरा नींद जल्दी खुल गया। तभी हमें दिखाया था हमारा जो आर इंसान है वो अभी तक जागी हुई है। तभी हमें दिखाया था आर इंसान बोलते कि असल में मुझे इसमें सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है इसलिए मैं अभी क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया था आर इंसान बोलते कि मैं तुम्हारे साथ आके सो सकती हूँ।
तभी भाई पर ओसुसन बोल लगती, हाँ ठीक है, तभी हमें दिखाया थे आयरन सन और ओसुसन एक ही स्लीपर में सोई हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया थे आयरन सन बोलती है, सर मैं राइडो कुन को अपनी ट्रू फीलिंग के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है यदि मैं राइडो कुन को अपने फीलिंग्स के बारे में बताऊँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे, ओसुसन बोलते हैं ये देखो आयरन सन तुम्हारा जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम ये बात को आराम से मतलब बहुत ही आराम से कर सकते हो, इसलिए तुम अपने पर भरोसा रखो। तभी हमें दिखाया था हमारे जो आयरन सन होती है वो बोलते कि थैंक यू ओसुसन मुझे हौसला देने के लिए। तभी हमें दिखाया था हमारे राइडो कुन होता है वो बाहर पानी को गर्म कर रहा होता है। ये बात को देखते हुए हमारे आयरन सन बोलने लगती है राइडो कुन अभी उठ चुका है। ये बात को देखते हुए हमारे जो ओसुसन होते हैं बोलते हैं अभी सही समय है, तुम अभी अपने मन की बात उसको बोल सकती हो। तभी आयरन सन बोलते हैं कि थैंक यू ओसुसन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। तभी हमें दिखाए थे वो अपने स्वेटर को पहनते हुए बोलते हैं कि मुझे भी जाना चाहिए बाहर को। तभी हमें दिखाए थे ओसुसन उसको पकड़ लेती है और बोलने लगती है रुको जरा। तभी हमें दिखाए थे ओसुसन बोलते हैं कि आयरन सन तुमको गुड लक, तुम अच्छे से ये काम को कर लेना। तभी हमें दिखाए थे आयरन सन बोलते कि तुमको मैं फिर से शुक्रिया बोलती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था राइडो कुन आयरन सन को देखने लगता है। तभी जो आयरन सन होती है वो बाहर आती है और उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। तभी हमारे जो राइडो कुन होता है बोलते हैं तो ठीक है तुम मेरे साथ कप नूडल्स खा सकती हो। तभी हमें दिखाया था हमारे राइडो कुन और आयरन सन वो दोनों मिलकर कप नूडल्स खा रहे होते हैं। उसी समय हमें दिखाए थे कुन बोलता है कि आयरन सन क्या तुम्हारा पेट भर चुका क्योंकि मैं तुम्हें आधा ही खाने को दिया था। तभी हमें दिखाया थे आयरन सन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तभी राइडो कुन उसको अपने जैकेट को पहना लेता है और बोलता है कि ये जैकेट तुम ही पहनो। तभी आयरन सन बोलते कि तो तुम्हारा क्या तुम्हारे पास तो कोई जैकेट वगैरह भी नहीं है। कुन बोलता है मेरी चिंता तुम मत करो। तभी हमें दिखाया थे आयरन सन राइडो कुन को थैंक यू बोल रही होती है। उसी समय हमें दिखाए थे हमें जो आयरन सन होती है वो बोलते हैं राइडो कुन तुम जरा सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में जब हम लोग जंगल में सितारे वगैरह देख रहे होते हैं वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी मन की बात बताना चाहती थी। तो हमें दिखाए थे हमारे जो आयरन सन है वो बोल लगते कि असल में राइडो कुन मैं तुम्हें। तभी हमें दिखाए थे वो कुछ बोल रही होते लेकिन हमें वो चीज़ हमें दिखाई नहीं जाती है। तभी हमें दिखाए थे हमारे जो आयरन सन होती है वो राइडो कुन की तरफ देखने लगती है। तभी हमें दिखाए थे हमारे जो राइडो कुन होता है वो आयरन सन से भी कुछ कहना लगता है लेकिन हमें वो भी सुनाई नहीं देता और हमें आयरन सन जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा चौंकी हुई दिखाई देती है। तभी जो आयरन सन होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तभी अचानक से हमें जो आयरन सन होती है वो हमारे राइडो कुन को किस कर लेती है। ये बात को देखते हुए राइडो कुन को समझ में नहीं पा रहा होता और वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। तभी आयरन सन जो होती है वो रोते हुए राइडो कुन को देख रही होती है। तभी अचानक से हमें दिखाया था आयरन सन दौड़ते हुए अपने जो टेंट में वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर जाके रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया था ये बात को हमारे जो ओसुसन होती है वो नोटिस कर लेती है और वो ये बात को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाती है। उसके बाद हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो राइडो कुन होता है वो स्कूल के अंदर एंट्री कर रहा होता है। तभी इसी का उसका गुड मॉर्निंग बोलता है राइडो कुन उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है इसी का बोल रहे थे शायद से मुझे लगता है कि उस रात कुछ होने वाला था लेकिन वो जो भालू आ गया था इसलिए वो नहीं हो पाया। तभी हमें दिखाया जाता है हमें दिखाया था वहाँ पर आयरन सन भी आ चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाए आयरन सन बहुत ज़्यादा मोटी लग रही होती है मतलब लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा मोटी लग रही होती है। तभी हमें दिखाया था राइडो कुन बोलते हैं शायद से आयरन सन बहुत ज़्यादा खाना खा चुकी है इसके कारण वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है। लेकिन थिंक आयरन सन इतना ज़्यादा खाना क्यों खा रही थी, शायद से उसको कोई रेसलिंग कंपटीशन लड़ना चाहिए था इसीलिए वो इतना ज़्यादा खाना खा रही थी। तभी हमें दिखाया था आयरन सन बोलते कि असल में राइडो कुन तुम जरा सुनो मैं चेयर में बैठ नहीं पा रही हूँ क्या तुम मुझे चेयर में बैठा सकते हो। तभी हमें दिखाया था हमारा जो राइडो कुन होता है वो उसको जाके चेयर में बैठा देता है। उसके बाद आयरन सन जो होती है वो उसको मतलब हमारे राइडो कुन को थैंक्स बोल रही होती है और बोलते कि थैंक्स मुझे चेयर में बैठाने के लिए। तभी राइडो कुन सोचने लगता है कि वो उसका असिस्टेंट बन सकता है। तभी हमें दिखाए थे हमारे जो आयरन सन होती है वो बोलते हैं मुझे सर्दी लग रही थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह पहन लिया हूँ। तभी हमें दिखाया था हमारे जो राइडो कुन होते हैं वो आयरन सन से उसके हरे कपड़े वगैरह उतारने लगता है मतलब लिटरली वो बहुत ज़्यादा कपड़े पहनी थी उसको कपड़े उतारने में बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया था हमारे जो राइडो कुन होता है वो आयरन सन का कपड़ा वगैरह ठीक कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया था हमारा राइडो कुन देखता है कि वो लिटरली यार बहुत ज़्यादा ही कपड़े पहन के आई हुई होती है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो आयरन सन है वो वहाँ पर गायब हुई होती है। ये बात को देखकर राइडो कुन थोड़ा सा हैरान हो जाता है लेकिन हमारा जो आयरन सन होती है कपड़े के ढेर के अंदर से निकलती है। उसके बाद हमें दिखाया था राइडो कुन बोलने लगता है कि आयरन सन तो तुम यहाँ पर हो मैं थोड़ा सा डर गया था। तभी हमें दिखाए थे छतो सन और इसी का ये बात को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया था आयरन सन बोलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तभी हमें दिखाया था आयरन सन और राइडो कुन दोनों ही
मतलब जॉगिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद वो दोनों ही क्लासरूम में आग लगा के खुद को मतलब खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसका वो दोनों ही बहुत ज़्यादा मसालेदार चिप्स खा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया थे हमें जो आर्यन होती है वो राइडो को उनको खाना खिला रहा होता है। तभी हमें दिखाया था हमें जो इसी का होता है बोलते हैं उस सेशन तुम यहाँ पर हो, तुम कल कैंपिंग करने के समय सो गई थी इसीलिए तुमने कल बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर लिया था। जैसे कि हमारे राइडो को आर्यन बहुत ज़्यादा करीब लग रहे थे दोनों ही। तभी हमें दिखाया था हमारा जो इसी मतलब ओसरसान होती है वो बोलने लगती थी असल में ये बात नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया थे हमें जो ओसरसान वो सभी चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। तभी हमें दिखाया था ओसरसान बोलते कि आर्यन और राइडो को वो दोनों ही कुछ हद तक एक जैसे ही है इसीलिए हम दोनों को ऐसा लग रहा है। उसके साथ ही हमारा जो आर्यन हकरने का एपिसोड नंबर 10 था उसका स्टोरी लाइन का यहीं पर ही एंड हो जाता है। मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड होगा वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। उसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ ही आपको इसका और भी एपिसोड देखना है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही न्यू और अमेजिंग एनिमे का एक्सप्लेन रोज लाते रहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए आप सबको सायोनारा गाइस।